हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर ऑल एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स के मिक्स क्वेश्चन के बारे में, और जिसकी ये पार्ट सीरीज है, पार्ट नंबर 4। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 6,250 रुपये पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये आपको दिया गया है मूलधन, ये आपको दिया गया है दर, और ये आपको दी गई है समय। ठीक है, तो 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालने के लिए आप सभी को फॉर्मूला पता है, यानी कि डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, मूलधन यानी कि पी प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन में आर बाय 100 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जब भी आपको अंतर निकालना हो तो इस फॉर्मूले से रख के निकालिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो देखिए, मूलधन कितना है, मूलधन 6,250 रुपये आपको दिख रहा है। पूरा क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे सीधे हम। ओके, तो देखिए मूलधन कितना है, मूलधन है 6,250, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद दर कितनी दी गई है, तो दर दी गई है 8% की, तो 8/100 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, स्क्वायर है यानी कि इसका 2 बार हमें गुणा करना है। तो 6,250 गुणे में 8/100, फिर गुणे में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/100। इससे आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 40 रुपये का। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने का है, तो यह 40 रुपये का कब है, जब 6,250 रुपये मूलधन है और 8% की वार्षिक ब्याज की दर से, और कितने वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए। इसको याद रखिएगा, 2 वर्ष में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या दिया गया है इसमें। 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। अब यहाँ पे इसको आप नोटिस करिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पर इस क्वेश्चन को SSC में आया हुआ है, इसलिए हमने इसको लिया है। आपके रिविजन पर्पज से ये सीरीज चलाई जा रही है, तो सारे के सारे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ टफ हो सकते हैं, कुछ ईजी भी हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको इसको पूरा करना ही है। ठीक है, डेली वीडियो को देखिए और अपना रिविजन बना के रखिए मैथ्स में। तो देखिए, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, आपको निकालना है समय। ये देखिए, यहाँ पे ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी कि आपको क्या करना है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेना है, या फिर इसको किलोमीटर में बदलिए, दोनों की जो यूनिट है वो हमको सेम रखनी है। तो हमने चेंज कर लिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा। इससे इसको कैंसिल करिए, 18 × 36, 5 × 2 कितना हो गया, तो 10 आ गया। इसका कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या आ गई, तो ये आ गई रेलगाड़ी की चाल। ओके, और आपको रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है कितनी, 60 मीटर लंबी, यानी कि यही क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इसकी दूरी। देखिए, जब भी रेलगाड़ी अगर खंभे को पार करेगी तो जो कुल दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो कुल दूरी आएगी वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर देंगे तो आपका कुल दूरी आएगा। ठीक है, यहाँ पे किसको पार कर रही है, खंबे को, तो कुल दूरी बराबर हो गई रेलगाड़ी की लंबाई के। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल, यानी कि 60/10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका समय कितना आ गया, तो ये आ गया 6 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा, तो 6 सेकंड का समय लगेगा, कब, जब 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को कितने समय पार करेगी, तो 6 सेकंड में पार कर लेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर होगी, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी। AOB ये एक सरल रेखा होगी x के किस मान के लिए, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, सरल रेखा यानी कि ये होता है, इसमें एंगल कितने का होता है, तो एंगल होता है 180 के बराबर। ठीक है, अगर AOB एक सरल रेखा हो जाएगी तो इन सब के बीच में एंगल जो होता है वो 180 के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसको और इसको हम जोड़ देंगे और ये बराबर होना चाहिए 180 के। तो बस आपको यही क्वेश्चन में करना है और आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या है, यहाँ पे 2x-50° लिखा हुआ है, इसको ऐड करना है और इस वाले एंगल को ऐड करना है, तभी तो ये पूरा हो करके 80 के बराबर होगा 180 के। तो 2x-50° प्लस क्या कर लेना है, 2x+30° विच इज़ इक्वल्स टू 180 के। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। 2x+2x कितना हो गया, तो ये हो गया 4x के बराबर। -50 + 30 कितना हो जाएगा, -20° विच इज़ इक्वल्स टू 180° के। तो 4x की यहाँ से आप लोग वैल्यू निकालोगे, कितनी आ जाएगी, 180° + 20°।
इसको आप सॉल्व करो, 180 प्लस 20 को ऐड करेंगे तो 200 के बराबर आ गया, यानी कि 4x इज इक्वल टू 200 आ गया। यहाँ से आप लोग निकाल लो x की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 200 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री के। ओके तो क्लियर हुआ x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी, तो x की मान 50 डिग्री अगर हम रख देंगे तो AOB जो लाइन है वो एक सरल रेखा यानी कि इस तरह से हो जाएगी। ओके आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, रवि के पास 18 किलोमीटर का 1.5 सेंटीमीटर के मापक के साथ सड़क का एक मानचित्र है, यदि वह 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उस मानचित्र में उसने कितनी दूरी तय कर ली है। देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, 18 किलोमीटर बराबर है 1.5 सेंटीमीटर के, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर 72 किलोमीटर वो जाता है तो मैप में उसने कितनी दूरी तय कर ली है, मानचित्र में कितनी दूरी तय की है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 18 किलोमीटर बराबर है कितने के, तो 1.5 सेंटीमीटर के। ठीक है आपको निकालना किसमें आंसर है, सेंटीमीटर में ही निकालना है, तो 18 किलोमीटर बराबर 1.5 के है, 1 किलोमीटर बराबर किसके हो जाएगा बताइए जल्दी से, 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1.5 बटे में 18, और आपको कितने का निकालना है तो 72 का निकालना है, 72 किलोमीटर की निकालनी है आपको, तो यह आ जाएगा 1.5 बटे में 18 और गुणे में 72। ठीक है 18 से इसको कैंसिल करेंगे, 18 चौक कितना होता है तो 18 चौके 72 होता है, 1.5 इंटू हमें करना है 4, तो 1.5 में आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 20 हो गया, 2 यहाँ गया, 4 1 4 और 4 2 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है यानी कि आपका आ गया 6 सेंटीमीटर जो है वो 72 किलोमीटर की दूरी तय करने पे मानचित्र में वह दूरी तय करेगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखिएगा, 18 किलोमीटर बराबर था 1.5 सेंटीमीटर मापक के, अगर वह मानचित्र में 72 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, अगर वह सड़क पे ध्यान दीजिएगा वह सड़क पे 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह मानचित्र में कितने की दूरी तय करेगा, तो वो करेगा 6 सेंटीमीटर के बराबर की दूरी को तय। ओके तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, यदि 4R इज इक्वल्स टू एच प्लस अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो तो आर अनुपाते एच का मान क्या होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन SSC में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी सॉल्व करने का आइडिया सीख लीजिए कैसे करना है। ठीक है तो इसको कोई इजी मेथड से हम लोग कर नहीं सकते हैं, लंबा मेथड ही लगेगा, थोड़ा सा देखिएगा। 4R इज इक्वल्स टू इतना दिया गया है, आपको h को इधर कर लेना है, h को इधर करेंगे तो क्या जाएगा 4R माइनस h विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है इतना हो गया, अब ये जो यहाँ पे रूट है इसको आप इधर भेज लोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर के बराबर, या फिर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों साइड क्या कर लो, स्क्वायरिंग कर लो, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ गया 4R माइनस में h का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया तो इधर हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे। अब ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये हो गया a और ये हो गया b, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी के, और विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। दोनों साइड से देखिए एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है 4R स्क्वायर है, तो 4R का होल स्क्वायर है यानी कि हो गया 16R स्क्वायर माइनस में 2 4 8 RH विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आर स्क्वायर को एक साइड में कर लेना है तो कितना हो जाएगा बताइए, इस वाले को इधर लेके आते हैं तो 16R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8 RH के, 16 में से 1 गया तो बच गया 15R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 RH। ओके यहाँ तक क्लियर हुआ, 15R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 RH। अब 1R ये है 1R ये है, दोनों साइड से R और R को हमने कर लिया कैंसिल, क्या हो गया 15R की वैल्यू आ गई बराबर 8H के। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है R अनुपाते H का मान क्या होगा, यानी कि H को आपको इधर ले आना है और नंबर को एक साइड में कर लेना है, तो आपका आंसर आ गया। तो R अनुपाते H का मान पूछा था विच इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 15, और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 8 बटे में 15 ये हो गया R अनुपाते H का मान। समझ में आया क्वेश्चन क्या किया गया है, कुछ भी नहीं है, बस इस एच को आपको इधर करना है, दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना है, और जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो आपका आर अनुपात एच का मान निकल आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है क्या दिया गया है, वर्ग है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर के बराबर। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पूरे की पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है इतना याद रखिएगा,
सबसे पहले हम लोगों को निकाल लेनी है इस तरह के क्वेश्चन में उसकी भुजा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा हमें सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमें निकाल लेनी होती है भुजा। और जैसे ही भुजा पता चल जाएगी फिर क्वेश्चन में कुछ भी पूछा होगा वो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो जो वर्ग की भुजा होती है वो बराबर हो जाएगी विकर्ण अपॉन में √2 के, यानी कि विकर्ण बराबर कितना होता है वर्ग का, भुजा गुणे में √2। तो भुजा हमको निकालनी है तो विकर्ण अपॉन में हमने कर दिया √2। देखिए विकर्ण की वैल्यू आपको 7 दी गई है तो यहाँ पे हमने रख दिया 7 अपॉन में √2, ये आपका आ गया वर्ग की भुजा। और बस वर्ग की भुजा पता चल गई, आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो निकाल लीजिए यहीं से। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा किसके, तो ये होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा होता है। तो विच इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 7 × 7 = 49, और बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। यहाँ तक क्लियर हुआ, इसको आप लोग कैंसिल कर लो। तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। क्वेश्चन क्लियर हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना आता है, बस आपको एक चीज़ दिया रहेगा उसके थ्रू हमें निकाल लेनी है वर्ग की भुजा। और जैसे ही भुजा पता चल जाएगी तो आपको कुछ भी पूछा जाएगा तो आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, हमने इसकी वैल्यू रख दी और आपका आंसर आ गया, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई को 50% तथा उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई के प्रतिशत दिए गए हैं कि कितना बढ़ाया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें बस कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को हमें सॉल्व करके नंबर में चेंज करना है। तो लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया, 50%, यानी कि 50/100, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 5 × 2 = 10 हो गया, यानी कि 1/2 ये बढ़ाया गया, ओके। और इसी तरह से आपको निकाल लेना है चौड़ाई को कितना बढ़ाया गया, चौड़ाई को बढ़ाया गया 20%, यानी 20/100, 0 0 कैंसिल, 2 × 5 हो जाएगा 10, कितना आ गया 1/5, ओके। दोनों बढ़ाया गया इसलिए दोनों में आपको ऊपर प्लस का साइन लगा देना है। अब देखिए हमें पूछा है क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई के, किसके बराबर होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई के। अब देखिए परसेंटेज को हमने सॉल्व किया, परसेंटेज को सॉल्व करने के बाद जो नीचे संख्या आ रही है इसको हम लोग ले लेते हैं मूल संख्या, यानी कि लंबाई जो है वो हो गई 2 और चौड़ाई को हमने मान लिया 5 है। तो लंबाई को क्या मान लिया, 2 मान लिया और चौड़ाई को मान लिया 5 है, थोड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है बढ़ाया गया है दोनों को, ठीक है, इसको भी बढ़ाया गया है इसको भी बढ़ाया गया है, तो 2 में हमें 1 जोड़ देना है, 2 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 3 हो गया। उसी तरह से चौड़ाई में भी बढ़ाया गया है तो 5 में 1 जोड़ देना है, 5 में 1 जोड़ा कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे ऊपर जो भी होगा आपको नीचे वाले में ऐड कर देना है, यहाँ पे 1 है तो 1 को ऐड कर लिया, तो 6 × 3 कितना आ गया, ये आ गया 18, ओके। 6 × 3 कितना आ गया, तो ये आ गया 18। अब इन दोनों में आपको देखना है डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस है 8 का, 10 और 18 में डिफरेंस कितने का होगा, 8 का होगा। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, तो अगर जो मूल संख्या से बढ़ी हुई संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे वृद्धि होगी, और अगर कम हो जाता ये तो यहाँ पे कमी होती क्षेत्रफल में। अभी आपको क्या है, देखिए 18 है, ये 10 से ज़्यादा है इसलिए वृद्धि हुई है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया 8 का, और बटे में हमको करना है मूल संख्या, गुणे में हमको कर देना है 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। इसलिए परसेंटेज नहीं निकालना होता तो आपका यही आंसर हो जाता, हमें निकालना है परसेंटेज में, इसलिए 8/10 गुणे कर दिया 100 से, 0 0 कैंसिल हो गया, आपके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, तो 80% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। यदि लंबाई को 50% और चौड़ाई को 20% बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल पर 80% की वृद्धि होगी, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट करते हुए 40 का मान निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, यानी कि सीरीज वाले क्वेश्चन आए हैं, और सभी में डिफरेंस देखिए कितने का है, तो डिफरेंस सभी में समान है, ठीक है। तो डिफरेंस सभी में समान है और आपको निकालना है। इसको आप लोग दो मेथड से कर सकते हो, दोनों से हम आपको करके बता देते हैं। तो देखिए या तो आप इसमें कर लो 2 को कॉमन, 2 को हमने ले लिया कॉमन, अब सब में फिर क्या बच गया अंदर, 1 + 2 + डॉट डॉट करते हुए ये हो गया 20 तक बच गया, और ये किसकी सीरीज बन गई, तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज बन गई। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समेशन क्या होता है, तो ये होता है कितना, n × n + 1 / 2 के बराबर। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू है 20, ओके। यहाँ पे आपको मान रख देना है 20, 2 × 20
20 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और डिवाइडेड बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 20 × 21 आप करोगे तो आ जाएगा 420 आपका आंसर। ठीक है, तो 420 क्या आ जाएगा, इन सभी का समेशन हो जाएगा। और दूसरा मेथड हम क्या कह रहे थे, दूसरे मेथड से भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 2 + 4 + 6 + 40, यानी कि सभी में डिफरेंस दो दो का आ रहा है। तो जब भी इस तरह का डिफरेंस दिखे तो आपको लिखना है फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या। तो पहली संख्या क्या हो गई, 2 हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई लास्ट वाली, ये हो गई 40। डिवाइडेड बाई हमें करना है 2 से, यानी कि एवरेज निकालना है ना, 2 + 40 / 2। और मल्टीप्लीकेशन हमें कर देना है किससे, तो मल्टीप्लीकेशन हमें कर देना है पदों की संख्या। अब पदों की संख्या कैसे निकालोगे, तो देखिए 2 का ये गुणज है, 2 × 1 = 2, और ये कितने का गुणज है, तो 2 × 20 का गुणज है, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, 1 से लेकर के 20 तक जा रहा है, तो पदों की संख्या आपकी हो गई 20। तो यहाँ पे पदों की संख्या से हमें कर लिया गुणा, यानी कि 20 से गुणा, इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, 10 बार में गया 40 और +2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 × 10, यानी कि आपका आंसर आ गया 420। ठीक है, तो आपका आंसर इधर से भी वही आएगा और इधर से भी वही आएगा। अगर आपको कॉमन लेकर के फिर ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, सभी में डिफरेंस सेम है, पहली संख्या को जोड़ा प्लस दूसरी संख्या को जोड़ा, बटे में 2 कर दिया, और गुणे में हमें कर देना है पदों की संख्या। और पदों की संख्या आपको अगर यहाँ से नहीं निकल रहा है तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए तो आपको लास्ट वाला देखना है और लास्ट वाले को ही 2 से हमें डिवाइड कर देना है, तो आपकी पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, इससे कैंसिल करेंगे तो 20 जो है वो पदों की संख्या आ जाएगी। इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हो और इस तरह से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए का मान बताइए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए आपको दिया है, एक वैल्यू दी गई है इन दोनों की, तो इन दोनों की जब वैल्यू दी गई होगी और किसी और की वैल्यू पूछी जाएगी, इतना आप लोग समझ लीजिए कि इसी में से हमको कुछ ना कुछ निकालना है। ठीक है, इसी में से हमको निकालना है, तो बस हम वही करते हैं फिर, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 जो दिया हुआ है उसी को उतार लिया, यहाँ से आप लोग निकाल लो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - साइन स्क्वायर ए के बराबर। इस वाले को इधर ट्रांसफर कर दिया तो साइन ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 - साइन स्क्वायर ए, और 1 - साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1 के बराबर। तो आपको यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर ए लिखा है, आप लोग क्या लिख सकते हो उसकी जगह पे, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये आ गया कॉस स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ से आप लोगों ने निकाल दिया कि साइन जो है वो बराबर है कॉस स्क्वायर ए के, इसको हमें याद रखना है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज लिखे रहने देते हैं, कॉस की पावर 4 ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ओके, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करनी है, यहाँ पे पुट करोगे तो आप लोग आंसर फिर नहीं निकाल पाओगे, कन्फ्यूज रहोगे, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग नहीं पुट करते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं साइन ए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे अगर हमने वैल्यू रख दी किसकी, कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए, तो यहाँ पे रख दिया साइन ए, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर आप लोग सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ गया, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता ही होती है, क्या होती है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, बस आपका आंसर आ गया 1। ओके, और यही आंसर करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस घुमाने फिराने के लिए दिया जाता है, यानी कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हो कैसे, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके। अगर आप लोग यहाँ पे भी साइन ए रख दोगे तो आप लोगों का आंसर कभी नहीं आ पाएगा फिर, तो ये फिर चेंज हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए में चेंज हो जाएगा ये, और आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, और जब यहाँ पे आप लोग साइन ए रख दोगे इसकी जगह पे, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। 2 × 3 + 2, फिर मल्टीप्लाई लग करके ब्रैकेट है, 3 - 6 / 2, ब्रैकेट लगा करके +7, और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉर्ड मास का रूल याद रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सही से कर पाओगे। बॉर्ड मास का रूल क्या होता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट हटाना होता है, फिर उसके बाद आपको मतलब ब्रैकेट रिमूव करना होता है, ब्रैकेट को ऑफ करना होता है। ठीक है, फिर सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इतना समझ में आ गया। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 × 3 + 2 में फिर ब्रैकेट लगाए 3 - में, देखिए अब ब्रैकेट में भी अगर आपको तीनों ब्रैकेट मिल रहे हैं
तो हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि 2 से इसको काटिए कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 3 ये लिखा था और यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया तो ये भी 3 आ गया। ये हो गई इसकी बात। उसके बाद फिर +7 इसको आप ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं लार्ज, ये मिडल वाले ब्रैकेट पे। अब हमको मिडल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, यानी कि 3 में से 3 कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 इंटू, इसको हमने सॉल्व किया, 3 में से 3 गया, 0 हो गया और प्लस हो गया 7 के बराबर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो स्मॉल ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट दोनों सॉल्व हो गया। अब हमें करना है बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 7 है, इसको हम करेंगे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये भी आपका आ जाएगा 0। यानी कि इसमें क्या बचा, 3 और 7 बचा। तो 3 और 7 को आप लोग ऐड कर लो, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 10 के बराबर। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, तो आपका आंसर आ गया 20। ओके, समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, बस आपको सिंप्लीफाई करना होता है और सिंप्लीफाई में भी थोड़ा ध्यान देना होता है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाता है। तो सबसे पहले आपने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर मिडिल ब्रैकेट को, और फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट को। और ब्रैकेट के अंदर भी अगर आपको यहाँ पे देखिए एक ही चीज़ था तो आपने एक ही करा। अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्ट्रैक्ट सब कुछ होता तो आपको पहले डिवाइड करना था, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो क्वेश्चन 10 आपको ये कैसे लगे कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।